शमशान पर सारी अनर्गल बातें, और वो बातें किसने कराई? उनके एक व्यक्ति ने कराई, जिसका यहाँ पर दारू का धंधा चलता था, दारू का धंधा बंद करा दिया था। उस व्यक्ति ने करवाई वो घोषणा, जो गुंडा था, हमारे युवाओं को बिगाड़ रहा था, हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा था। उसके मैंने जो थानेदार है उनको कहा कि इसको पकड़ के बंद कर देना, या गुंडागर्दी नहीं हो सकती। अगर ये मैंने गलत करा, मैंने दारू की दुकानें बंद कराई, मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी बंद कराई, अगर ये मैंने गलत करा तो मैं गलत अच्छी, मैं गलत अच्छी हूँ। उनसे लाखों से अच्छी हूँ जो रुपया देकर वोट खरीदते हैं, दारू पिलाकर वोट खरीदते हैं, युवाओं को भटकाने का काम करते हैं, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का काम करते हैं, और क्षेत्र के अंदर एक ईंट रखने का काम नहीं करते, और आकर कहते हैं कि हम मंडावा की दशा और दिशा सुधार देंगे, मंडावा को ले जाएंगे विकास की गति पे। अरे 5 साल तो आपका राज था, आपका प्रधान था बीजेपी का, आपका एमएलए था बीजेपी का, आपका एमपी बीजेपी का था। एक काम बता दो जो मंडावा विधानसभा में ऐसा कराया हो जिसके नाम पर वो जाकर गांव के अंदर वोट मांगे। यहाँ पे मेरे किसान साथी बैठे हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार करा केंद्र की सरकार ने, किसानों को बर्बाद करा, मारने का काम करा, उसके लिए कोई नहीं बोलता। हमारी पहलवान बेटियां इंसाफ के लिए दिल्ली के अंदर बैठी रही, उनके लिए किसी ने इंसाफ नहीं मांगा। और आज हमारे बीजेपी के नेता और हमारे एमपी गांव में आते हैं, मैं कहती हूँ उनको गांव से खदेड़ना चाहिए। आप लोगों को महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, किसानों की इज्जत नहीं कर सकते, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, हमारी पीढ़ी को सुधार नहीं सकते। ऐसे लोगों को गांव में घुसने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को उनसे जवाब मांगना चाहिए। आप हमेशा मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी के साथ खड़े रहे। मेरे बुरे वक्त में जब मेरी टिकट कटी, मैं चुनाव हारी, आप लोग मेरी ढाल बनकर खड़े। मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन लोगों की रक्षा करूं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस विधानसभा को एक नंबर पर लेकर जाऊं, मेरा दायित्व बनता है इन महिलाओं के मान सम्मान की मैं रक्षा करूं, मेरा दायित्व बनता है ये जो पीढ़ी बैठी है, युवा पीढ़ी, बच्चे बैठे, इनका भविष्य में सब। और ये केवल तभी संभव है मेरे साथियों जब आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मुझ में रहेगा। एक बार पुणे आप जिताकर भेजेंगे तो निश्चित तौर पर